बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी सी चना चाट की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है, स्पेशली अब रमज़ान बिल्कुल जाने वाले हैं, तो आप फटाफट इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ लिए हैं बॉयल चने। ठीक है, इनको हम हल्का सा की मदद से मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस आपने लाइट से मैश करना है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे नमक, ज़ीरा पाउडर, कुटी मिर्च और इसके अलावा चाट मसाला। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करने, बस ये चार स्पाइसेस आपने इसमें ऐड करने हैं। और इसमें थोड़े से हमने उबले हुए आलू डाल दिए हैं, जिन्हें हमने कलर लगा कर बॉयल कर दिया था। चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, इसके अलावा चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें, अनार के दाने, हरा धनिया और हरा पुदीना वगैरह डालेंगे। ठीक है, अब आपने इसमें तकरीबन टू टेबल स्पून के करीब आपने इसमें डाल देना है दही, और यहाँ पे हमने इमली का पेस्ट रखा था वो भी डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालें, आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। तमाम मटीरियल को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ठीक है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट करते हुए जो थोड़ा थोड़ा सामान हमने बचा लिया था वो हमने ऊपर असेंबलिंग के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा बचा हुआ प्याज डालेंगे चॉप किया हुआ, बाकी जितना सामान हमने थोड़ा सा रख लिया था साइड पे, ठीक है, वो आपने इसे डाल देना है सर्व करने से पहले। थोड़ा सा हमने इसमें इमली का पेस्ट भी डाल दिया है, इसके अलावा जो दही था आपने वो भी ऐड कर देना है। रमज़ान हमें अपनी दुआ में बहुत ख़ास तौर पे याद रखिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा, आप इसमें पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सीव ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।